पहले गुरु के पास, गुरु के पास जाके सब अंदा के गुरु से पहले तुलसीदास जी कहने चाहते बड़ी भाग मनुष्य तर पावा ना की कहने चाहिए ते द्वारे बहन हम अरे के मृत लोक मिल सकते मनुष्य ना आगे भगवान के भक्ति भजन सास ससुर के सेवा माता पिता के सेवा और समाज के सेवा सब प्रथम करने के चाहिए हे बहन मेरे द्वारा मनुष्य अवतार में थे माने जत भी संसार में छे बहन बोला सब माया के जाल छे धन दौलत परिवार कर कुटुंब ककरो पड़े छे संसार में तिजारे हे बहन हां पर दे दी छे बोले ना हमरो के पांच छोटा तीन दे दी आगे अपने के जे मानसा छे हमरो के कर तैयार छे बहन अपने अपने फूल के माला डाली अगरबत्ती सराय का होतला तो गुरु के पास में इससे सब ये उठ चुका है भाई अली छोटियों के बात है कि तू कभी सोने से कभी ले पूजा पाठ करी थी हे आगे संसार में पूजा पाठ कला से भक्ति कला से नीच घर वाला है भगवान पूजा कर के की है थी तेरे बुझ क्या तेरे बुझ ली या तो या आप कहे पूजा में कर भी ले तो नीच घर भेटतो नीच बार भेटतो क्या नहीं अपन खातिर हम काली तल बुढ़ा का मांग लो तो भाव जाता है। क्या कर भी क्या जगह की क्या कर भी बाबा ये क्या है? महीने गुरु मंदिर चला तकर बाद हजारी की रास्ता सोचा। अभी रसत गई हम पकड़ी आऊं के पहले
भग गया नारायण नारायण। बाबा से जब पुष्प लेने के बाद जब पूजा की समय में मेरा बाप जगन्नाथ ने कहा कि बछेंद्रा तुम्हें एक आज्ञा का पालन करना होगा नारायण। बाबा जगन्नाथ से मैंने प्रश्न किया, हे प्रभु आप क्या क्या दे रहा है और किस कारण से आप कहते हैं कि मेरा आज्ञा को पालन करो, बात क्या है इसमें। बाबा जगन्नाथ ने कहा क्या तुम्हें मृत लोग जाना होगा बछेंद्रा। मैंने पूछा प्रभु किस कारण से, जाओ मृत लोग में कुछ लोग झूठ बोलता है, कुछ पाप क्या कर्म करता है, सही मार्ग की रास्ता छोड़ करके तेरा चलने का अभ्यास करता है, मांस मदिरा का भोजन करता है, जाओ मृत लोग में कुछ शिक्षा दे देना। मैं वो कहा रुके आगे बढ़ करके मैं मृत लोग में आया, कहा तो अमृतपुर में मैं छोटा सा एक कुटिया बना करके आश्रम सजा करके जब मैं भिक्षाटन करने के लिए निकल पड़ा तो जाते जाते देश उग्रत की ओर देश उग्रत की ओर मैं निकल पड़ा। उस समय राजा उग्रसेन की दरबार में मैं पहुंच गया सुबह सुबह सीता अपने गुरु की वचन किया क्या पाकर के मैंने एक नाम गवाई यह लगा करके मैं उसे अपने आवाज कानों साथ पूर्व मंदिरा तक पहुंचाया। रानी मैना आवाज सुन करके एक पंडारा भोजन भिक्षाटन के लिए इत्यादि लेकर के दौड़ करके आया बाबा की दरबार में। जब बाबा की पांव के नीचे आ गया पीछे पीछे उग्रसेन राजा वो भी आ गया दोनों व्यक्ति। जब उसको भक्ति और भाव देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ, भिक्षाटन बहुत सारा सम्मान मिला मुझे, तो मैंने उसे एक वचन दे दिया कि जा राजा तुम्हारा पुत्र को भला होगा ना। राजा ने पुत्र उग्रसेन यह गुरु की वचन सुन करके उसे दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। जब दोनों व्यक्ति के आंसू बहने लगे इस कारण से क्योंकि उन दोनों में से किसी को न पुत्र था न पुत्री था, इसलिए मैंने उसका पुत्र को भाले कर दिया, इसलिए दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने दोनों आंखों से आंखों बहते देखा उग्रसेन की नेत्र से, तो मैंने पूछा हे राजन यह आंखों से आंसू क्यों बहते रह गया, बात इसमें क्या है मुझे सच सिखाओ। तो दोनों हाथ जोड़ करके पांव पकड़ के उग्रसेन और सती मैना मुझसे कहने लगा, हे प्रभु मेरा पास जो आपने वचन दिया पुत्र की भाले के बारे में, मेरा पास न पुत्र है या न पुत्र। इतना सोच करके मैंने तो अपराध हो गया, मैंने कहा क्या किसका दरबार में मैं चला आया सुबह सुबह, जिसका पुत्र नहीं था वह भोजन हमको कैसे ग्रहण कर सकूं आज दिन भर। हे ईश्वर की माया मेरा मुख में आग और पानी बसते जा रहा है, मैं जिसे जिसको जो कह दू वह पूर्ण हो जाता है। मैंने कहा कि अभिषेक मेरे वचन खाली नहीं होता है, मैं संत हूं, जाओ तुम्हें अवश्य पुत्र या पुत्री होगा। इसके कारण जब तेरा पुत्र होगा या पुत्री होगा तो छठी को रात मुझे आग कर ले।
का दान भगवान ने उसे प्राप्त कर दिया और सुंदर सा कन्या पैदा लिया। चंद्रमा की ज्योति की सरार, उसका नाम भीमा रखा गया और उनसे छठी मुलाकात मुझे आज नहीं किया। मूर्ख राजा उग्रसेन का पुत्र और पुत्री दोनों प्राप्त होने की मर्यादा मेरे बच्चे मैंने गुस्सा में आकर के बहुत सालों से श्राप दे करके बहुत भाता भंग करके मैंने उसे बाका करके सबसे